रेलवे यात्रा के समय दो चोरों ने ट्रेन में सवार व्यक्तियों से पहचान बढ़ाकर उन्हें शीत पेय में नशीली दवा दी और नशे से उनकी हालत खराब होते ही फरियादियों के पैसे, जेवर और बैग में रखे पूरे सामान मिलाकर कुल 3,88,500 रुपए का 3 लोगों का माल चुराकर चोर वहां से फरार हो गए। फरियादियों को जैसे ही होश आया उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई और स्थानीय अपराध शाखा लोहमार्ग नागपुर को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय अपराध शाखा लोहमार्ग नागपुर की जांच टीम ने नमूद अपराध में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में पुलिस को मुंबई से हावड़ा यात्रा कर रहे दो लोग वेटिंग धारक होने का पता चला। फिर उनकी सारी जानकारी एकत्रित कर मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल धारकों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने गलत मोबाइल नंबर जमा करने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने समय न गंवाते हुए पुराने आरोपियों के रिकॉर्ड से पता लगाना शुरू किया और मूसा और फिरोज नामों का उपयोग करके कौन चोरी करता है इसकी जानकारी प्राप्त की। इन नामों का प्रयोग किशनगंज इस्लामपुर बिहार के मजबूल नाम का व्यक्ति और साथी करता है ऐसी जानकारी मिली। किशनगंज बिहार इस्लामपुर पश्चिम बंगाल पहुंचकर पूछताछ की तो उदगरा के मोहम्मद मजबूल कुतुबली थाना पोठिया जिला बिहार के किशनगंज का रहने वाला निकला। मजबूल दर्रा थाना पोठिया जिला के अनुसार 26 जुलाई को उन्हें बिहार के किशनगंज की मदद से हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने अपने साथी के साथ अपराध कबूल कर लिया था। दोनों आरोपियों को 10 अगस्त को पावे तो पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।